जब हम अयोध्या की धरती पर कदम रखते हैं तो शहर की कड़कड़ में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के होने का एहसास होता है और हर कोना भगवान राम की भक्ति में रमा हुआ नजर आता है। ऐसे में भगवान राम की जन्मभूमि पर जब रामायण की सीता पहुंची तो नजारा देखते ही बन रहा था। जी हाँ, आपने सही सुना, रामायण सीरियल की सीता भगवान राम की नगरी अयोध्या में पहुंची और उन्होंने रामलला का दर्शन किया। बता दें कि दीपिका चिखलिया वही अभिनेत्री हैं जिन्होंने रामानंद सागर के निर्देशन में बनी रामायण सीरियल में सीता माता का किरदार निभाया था। मुझे पता था कि इनकी जन्मभूमि है तो साक्षात राम जी यहाँ पे विराजमान है, लेकिन मेरी कल्पना के बाहर है कि इतना तेज मैंने उनके जो चेहरे पे देखा, ये मैंने तेज कहीं नहीं देखा है और मेरे आँख में आंसू आ गए ये तेज देखने के बाद। मुझे लगा मेरा जीवन धन्य हो गया और इतने सालों से मैं राम नाम जप रही हूँ, चाहे वो रामायण की वजह से हो, चाहे वो मैं अपने गुरु की वजह से हो। मेरे गुरु के नाम जलाराम है तो मैं राम का नाम वैसे ही जपती हूँ। साईनाथ का मेरे गुरु हैं तो साई राम मैं बोलती हूँ। तो जब दिन रात राम मैं जपती हूँ और जब एक्चुअली कल उनके दर्शन हुए तो मुझे ऐसे लगा कि वो मूर्ति नहीं है, वो साक्षात्कार वहाँ पे विराजमान थे। बहुत खुशी हुई और अगर इनकी कृपा रही तो वापस दोबारा आऊँगी। इस धरती पर आने के बाद जब मैं इस धरती पर मैंने पैर रखा तो सबसे पहले मैंने पैर छुए इस धरती के कि ये वो धरती है जहाँ राम जी खुद चले थे, सीता जी खुद चली थी। तो मैं धन्य हूँ, मैं तो ये कहती हूँ कि अयोध्या वासी धन्य है कि आपको इस भूमि पर रहने को मिलता है। तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए, ये मत समझिए कि सिर्फ एक भारत के नागरिक है, आप अयोध्या के नागरिक हैं, आप राम के नगरी के नागरिक हैं। तो बस यही आपकी कृपा है। वैसे तो वैदिक काल से लेकर अंग्रेजों के समय तक अयोध्या ने न जाने कितने बदलावों को देखा जो कि अकल्पनीय और अविश्वसनीय रहे, लेकिन आज अयोध्या में जो बदलाव भारतवासी देख रहे हैं वो अद्वितीय है। क्योंकि जब से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है तब से अयोध्या में न केवल भक्तों की संख्या बढ़ी है बल्कि यहाँ आने वाले लोगों के मन में यह शहर अपनी अमिट छाप भी छोड़ता जा रहा है।